तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे एनएसडीएल पैन कार्ड के ऊपर। एनएसडीएल पैन कार्ड जो है बहुत सारे लोगों का डिमांड है। छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, अगर आप एक व्यापारी हैं, आप राशन दुकान दिए हैं, आप इलेक्ट्रिक दुकान दिए हैं, आप मोबाइल शॉप का दुकान है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर निकल के आया है और आपको एक अच्छा, मतलब मान के चलो तो एक जॉब ही मिल रही है, ठीक है ना। अगर आपका सपना था कि हमारे शॉप पे पैन कार्ड का सर्विस लोगों को मिले, हमारे ग्राहकों को मिले, तो आपके लिए एक अच्छा वीडियो है। अगर आप इसको कंप्लीट देखते हो, अगर आप सीख लेते हो इस प्रोसेस के थ्रू कि पैन कार्ड के प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ बताएंगे। कंप्लीट वीडियो को देखना है। अगर किसी को आईडी की जरूरत है, रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, मास्टर आईडी, सुपर आईडी, तो आप मुझसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर दिया हुआ है, डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है। अब मैं ये बात करता हूँ कि सर, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रिटेलर से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से क्या होता है, और मास्टर से क्या होता है, सुपर से क्या होता है। तो इस चीज को मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, तो कंप्लीट वीडियो को देखना है और तभी जाके समझ पाओगे। अगर आप हमसे रिटेलर लेते हो, तो रिटेलर का काम होता है अपना ग्राहक को सर्विस देना, आप पैन कार्ड बना सकते हो। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप लोगों को रिटेलर प्रोवाइड कर सकते हो, आप सर्विस यूज नहीं कर पाओगे। अगर आप मास्टर बनते हो, तो मास्टर से आप सुपर भी बना सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हो, रिटेलर भी बना सकते हो। अगर आप सुपर बनते हो, तो वहां पे आप ओनली डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बना सकते हो। अब मैं आपकी चार्ज की अगर बात की जाए, तो रिटेलर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बन रही है। डिस्ट्रीब्यूटर की जो चार्ज है 199 है। अगर आप अपना मार्केट रिटेलर मार्केट बनाना चाहते हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। अगर आप सुपर लेना चाहते हो, 399 पे आप ले सकते हो, जहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटर की भी मार्केट बना सकते हो, रिटेलर की भी मार्केट बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर दो रिटेलर तीनों की मार्केट बनाना है, तो मास्टर ले सकते हो। अब मैं सबसे पहले सर्विस की तरफ चलता हूं, और यहां पे एनएसडीएल का जो सर्विस हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका डैशबोर्ड किस तरह है और यहां पे सर्विस किस तरह मिल जाता है। तो यहां पे आईडी और पासवर्ड के थ्रू मैं साइन इन कर लेता हूं। देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे हमारा कुछ ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और यहां पे आप देख सकते हो सर, काफी इंटरफेस लुकिंग अच्छा है। और यहाँ पे आप तीन तरह से पैन कार्ड बना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप पैन कार्ड को यहाँ पे इजीली बना सकते हो। एक तो यहाँ पे बायोमेट्रिक के थ्रू बना सकते हो, दूसरा जो है ओटीपी के थ्रू भी बना सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो ओटीपी के थ्रू भी बना सकते हो। और यहाँ पे अगर आपके पास डिवाइस है, तो डिवाइस के थ्रू भी बना सकते हो, न्यू पैन क्लिक हियर पे क्लिक करके, ठीक है ना। अगर आपको पैन कार्ड करेक्शन करना है, तो पैन कार्ड करेक्शन भी कर सकते हो, उसके लिए भी काफी इजीली सर्विस दे के रखा है। यहाँ पे करेक्शन पैन क्लिक हियर पे जैसे ही क्लिक करते हो, ओटीपी और बायोमेट्रिक के थ्रू भी करेक्शन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारे ग्राहक को फोटो भी अपलोड करके सर्विस दें, सिग्नेचर के साथ भी सर्विस दें, तो नीचे आपको सर्विस की ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पैन विथ फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे काफी सर्विस मिल जाता है। अगर बायोमेट्रिक सपोर्ट की बात की जाए, तो मंत्रा जो कि मार्केट में चल रही है, मार्को जो कि मार्केट में रन कर रही है, ये दो डिवाइस सपोर्ट करता है। अब मैं बात करता हूँ और एक कैटेगरी और एक चीज यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे वॉलेट टॉपअप की बात की जाए, तो वॉलेट टॉपअप यहाँ पे आप दो तरह से कर सकते हो, दो नहीं तीन तरह से कर सकते हो। मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे एक क्यूआर कोड के थ्रू भी आप वॉलेट टॉपअप कर सकते हो। यहाँ पे ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है ना, इसके थ्रू भी आप वॉलेट टॉपअप कर सकते हो। स्कैन जैसे करोगे, जितना अमाउंट आपको टॉपअप लेना है ले सकते हो। यहाँ पे इंटर अमाउंट पे क्लिक करके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जो भी अमाउंट फिल करना है फिल करके टॉपअप ई वॉलेट पे क्लिक करोगे, उसके थ्रू भी कर सकते हो। नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है बायोमेट्रिक ई वॉलेट की, इसके ऊपर भी क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप बायोमेट्रिक फिंगर लगा के अपने अकाउंट से पैसे कटवा सकते हो। नीचे थोड़ा आओगे, तो यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। अब मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को आईडी की जरूरत है, तो आईडी ले सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली बात, आप बायोमेट्रिक एंड ओटीपी के थ्रू बनाते हो, तो आपके पैन कार्ड की जो पीडीएफ है, 30 से 40 मिनट के अंदर आपके ईमेल पे आ जाता है, जो कि ग्राहक को आपको दे सकते हो, ठीक है ना। किसी ग्राहक को अगर आप इमरजेंसी है, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे काम करके उसको इमरजेंसी सपोर्ट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे 7 वर्किंग डे के अंदर आपके होम डिलीवरी हो जाती है, 7 वर्किंग डे के अंदर। और ये बहुत अच्छी बात है, 7 वर्किंग डे के अंदर उसके घर पे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पे चला आएगा।
और इजीली बहुत अच्छा सर्विस दे रही है एनएचडीएल, जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर किसी को रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर मास्टर की जरूरत है ले सकते हो। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जिनको आईडी की जरूरत है डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर दिया हुआ है, डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि एक वीडियो आप लोग से मिस ना हो। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि इस साइट के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू आप पैन कार्ड कैसे बना सकते हो। मैं थ्रू साइट के थ्रू के अलावा आप जो है पैन कार्ड एप्लीकेशन से भी बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको साइट विजिट करके ही आप पैन कार्ड बना सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ ओनली मोबाइल फोन है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू भी बना सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।